गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष शर्मा मेकओवर्स। सो आज हम इनोवा के ऊपर बात करने वाले हैं। इनोवा बेसिकली लॉरियल प्रोफेशनल का कलर है। सो लॉरियल प्रोफेशनल में बेसिकली दो कैटेगरीज आती हैं, एक आती है हमारी मैजरिल, एक आती है हमारी इनोवा। तो आज हम इनोवा के ऊपर बात करने वाले हैं क्योंकि मैजरिल के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। सो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फुल फॉर्म में बेसिकली वो है इनोवेटिव नो अमोनिया। तो कोई भी कलर हो वो अपने टेक्नोलॉजी से जाना जाता है। तो इनोवा की जो टेक्नोलॉजी है वो है ODS यानी कि ऑयल डिलीवरी सिस्टम। जब भी आप अपने हेयर के ऊपर अमोनिया फ्री कलर यानी कि इनोवा कलर यूज करोगे तो आप नोटिस करना कि आपके जो हेयर हल्के हल्के ऑयली हो जाएंगे। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो ऑयल के ऊपर बेस है। सो हमारी जो मैजिल की टेक्नोलॉजी है वो है इनसेल एंड INNG। तो अब हम अमोनिया के ऊपर बात करते हैं कि अमोनिया हमारे हेयर के ऊपर हार्मफुल है या फिर अमोनिया ट्यूब के अंदर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमोनिया हमारा हेयर के ऊपर काम कैसे करता है। तो हमारे हेयर के अंदर तीन लेयर्स होती हैं, क्यूटिकल, कोर्टेक्स एंड मेड्यूला। तो अमोनिया क्या करता है, अमोनिया बेसिकली हमारा क्यूटिकल को हिट करता है, जो कि क्यूटिकल जो है हमारा हेयर का डोर होता है। सो अमोनिया जब क्यूटिकल को हिट करता है तो क्यूटिकल ओपन होता है या फिर स्वेल करता है, जिससे कि जो हमारा कलर है वो हमारे कोर्टेक्स के अंदर जा सके और अंदर जो भी आपको डिजायर शेड चाहिए वो हमारे हेयर के अंदर आ सकता है। सो ये हमारा प्रोसेस होता है अमोनिया का। अब हम बात करते हैं कि हमारे माइंड में एक और चीज आती है कि अमोनिया फ्री कलर्स के अंदर अमोनिया तो होता ही नहीं है, तो हमारा हेयर के ऊपर कलर आता कैसे है? तो जैसे इनोवा है, इनोवा के अंदर अमोनिया नहीं है, लेकिन अमोनिया का सब्स्टिट्यूट है जो कि है मिया, मोनो इथेनॉल अमोनिया। जो काम अमोनिया करता है वही काम मिया करता है। तो ये डिफरेंस होता है अमोनिया फ्री कलर्स में और अमोनिया के साथ कलर्स में। जैसे मैजिल है उसके अंदर अमोनिया है और जो इनोवा है उसके अंदर मिया है, मोनो इथेनॉल अमोनिया। काम दोनों का सेम ही होता है। इनोवा के अंदर बेसिकली हमारे 116 शेड्स हैं। इसके शेड कार्ड में हमारे 116 शेड्स हैं। ये बेसिकली आपके बेस शेड्स होते हैं, साथ में आपके फैशन शेड्स होते हैं। और इनोवा कलर जो है वो आपके हेयर को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है कि जैसे आप कलर कराओगे इनोवा का तो आपका हेयर ड्राई नहीं होगा, साथ में आपके हेयर को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। सो ये था हमारा इनोवा कलर। इसके अंदर आपके काफी सारे शेड्स हैं। जो भी आपका डिजायर्ड शेड है वो आप इनोवा शेड कार्ड से देख के आप अपने हेयर के ऊपर करा सकते हो, चाहे वो बेस शेड हो चाहे वो फैशन शेड हो। बेसिकली हमारे हेयर को 100% ग्रे कवरेज प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर आपके व्हाइट हेयर्स हैं अगर आप इनोवा कलर यूज करोगे तो 100% आपके जो ग्रे कवरेज है वो हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, इनोवा के जो शेड्स हैं वो थोड़े से लाइट शेड्स हैं। लाइक अगर मैं मैजिल से कंपेयर करूँ, मैजिल का अगर मैं 3 नंबर शेड लूँ और इनोवा का 3 नंबर शेड लूँ तो मैजिल का जो शेड है थोड़ा सा डार्क है और इनोवा का जो शेड्स है वो लाइट शेड है। तीसरा पॉइंट है, इनोवा के जो कलर है वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते अगर मैं कंपेयर करूँ मैजिल के साथ। मैजिल के जो शेड्स होते हैं वो काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं अगर मैं कंपेयर करूँ इनोवा के साथ, क्योंकि इन दोनों की टेक्नोलॉजीज भी अलग है, इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते और थोड़े से लाइट शेड भी है। सो इनोवा के अंदर हमारे तीन तरह के डेवलपर आते हैं, 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम एंड 30 वॉल्यूम। 10 वॉल्यूम जो है हमारा टोन टू टोन वर्क करेगा, 20 वॉल्यूम जो है वो हमारा 1 से 2 लेवल तक आपको लिफ्टिंग देगा और जो 30 वॉल्यूम है वो हमारा 2 से 3 लेवल तक लिफ्टिंग देगा। सो इसका जो मिक्सिंग रेशो होता है 10 वॉल्यूम का, 20 वॉल्यूम का, 30 वॉल्यूम का, वो है कलर ट्यूब के साथ 1:1 का रेशो। जितनी आप कलर ट्यूब लोगे उतना ही सेम रेशो में आप हमारा डेवलपर लोगे। और इसको आप नेचुरल हेयर्स पर भी कर सकते हैं, अगर आपके कलर ट्रीटेड हेयर है तो आप उसके ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो ये थी मेरी इनोवा की वीडियो। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और टॉपिक या फिर किसी और कैटेगरी या फिर किसी और कलर का या फिर किसी भी शैम्पू कंडीशनर किसी भी चीज़ का अगर मैं रिव्यू करूं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे या फिर नीचे कमेंट करके या फिर मेरे फेसबुक अकाउंट पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।